हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिट फूड फ्लेवर्स और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी जो है चिया मैंगो पुडिंग। ये हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है, बहुत ही यमी है। इट इज़ मेड अप विद द गुडनेस ऑफ मैंगोज। इसमें दूध डाला है, ओट्स हैं एंड चिया सीड्स। अगर इसकी हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूँ तो इट इज़ रिच इन फाइबर और बहुत सारे और भी बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर। इट इज़ गुड फॉर योर हार्ट्स, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है ये। आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। यू कैन फाइंड द टेक्स्ट रेसिपी इन इंग्लिश एंड कम्प्लीट न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑन आर वेबसाइट, दैट इज़ www.foodfitnessandfun.com। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नज़र इंग्रेडिएंट्स पे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून चिया सीड्स। कोकोनट मिल्क मैंने लिया है, घर का बना हुआ। अगर आपके पास नहीं है तो आप डेरी यानी काउ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो है 1 कप यानी 180 ml अप्रॉक्सीमेटली। शहद मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच। क्विक ओट्स हैं 1.5 यानी 1.5 टेबलस्पून। मैंगो का पल्प है अप्रॉक्सीमेटली 1 कप। मैंगो जो चॉप्ड है उससे हम बनाएंगे इसे। चॉप्ड मैंगो भी मैंने लिए सेपरेटली फॉर गार्निशिंग। होम मेड चॉकलेट ग्रेनोला है 2 टेबलस्पून जो कम्प्लीटली ऑप्शनल है। रॉ टर्मरिक यानी कच्ची हल्दी जस्ट टू इंक्रीज दी न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ दिस रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम 3 स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैंने चिया सीड्स को ऐड करके उसमें दूध ऐड कर दिया है। नौ आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि मैं कौन से सीड्स यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी दैट आई पर्सनली बाय ऑल माय सीड्स फ्रॉम न्यू हर्ब्स। न्यू हर्ब्स के पास एक्सेलेंट क्वालिटी चिया सीड्स है एंड आई हैव बीन यूजिंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम। दे हैव द मोस्ट क्लीन, ऑर्गेनिक एंड बेस्ट क्वालिटी सीड्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। ये जो चिया सीड्स हैं बाय न्यू हर्ब्स, दे आर USDA सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। यू कैन फाइंड द लिंक टू बाय न्यू हर्ब्स चिया सीड्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसे अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चिया सीड्स के लम्ब्स बन जाते हैं एंड दे डजेंट लुक नाइस एंड खाने में भी इतना अच्छा नहीं लगता। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून क्विक ओट्स मैंने बोल में ऐड कर दिए हैं। सॉरी आई कुडंट रिकॉर्ड दिस पार्ट, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ये छोटा सा पार्ट इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन मैंने अब इस मिक्सचर में 1.5 टेबलस्पून क्विक ओट्स ऐड करके उसे मिक्स किया और एंड में मैंने इसके अंदर हनी ऐड किया है। 1 से 1.5 चम्मच आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट करने दूंगी फ्रिज के अंदर ताकि ये सेट हो जाए। और इसी बीच में अपने मैंगो की जो प्योरी है उसे रेडी करूँगी। सो एक ब्लेंडर के अंदर मैंने 1 कप चॉप किए हुए मैंगोज ऐड कर दिए हैं, रॉ टर्मरिक। नाउ कई लोगों को लगेगा इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, लेकिन इसीलिए मैंने इसके अंदर हनी ऐड किया है। और रॉ टर्मरिक जो होती है वो कम गर्म होती है और क्योंकि ये कम कॉन्सेंट्रेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू द पाउडर्ड और द ड्राई टर्मरिक, तो ये बेटर होती है इन समर्स। इसे हम ब्लेंड करके एक प्योरी तैयार करेंगे। तो देखिए ये लम्प फ्री एक प्योरी तैयार कर ली है। अब बारी आती है असेंबलिंग की। तो देखिए आधे घंटे के अंदर हमारा जो ओट्स और चिया सीड्स और हमारा मिल्क का जो मिक्सचर था वो अच्छी तरह सेट हो गया है। सबसे पहले हम एक ग्लास का जार या बोल लेंगे, उसके बॉटम में मैंने होममेड ग्रेनोला ऐड किया है। ये टेक्सचर अच्छा देता है और एक अच्छा क्रंच आता है व्हेन यू रीच टू द बॉटम ऑफ द जार जब आप इसे खाएंगे। इसके बाद मैंने थोड़े से चॉप्ड मैंगोज भी ऐड कर दिए हैं। नाउ हम इसे लेयरिंग के मदद से सबसे पहले इसके अंदर चिया सीड्स, मिल्क और क्विक ओट्स का मिक्सचर ऐड करेंगे। उसे हल्का सा आप नीचे की तरफ पुश कर दीजिए और इसे लेवल अप कर दीजिए। सो
सरफेस को इवन आउट करने के बाद हम इसके अंदर अपनी मैंगो की प्योरी ऐड करेंगे, जिसमें हमने थोड़ी सी टर्मरिक और हनी भी ऐड किया था। नाउ यू कैन टॉप अप विद सम मोर ग्रेनुला अगर आपके पास है। आप क्विक ओट्स को हल्का सा जैगरी के साथ रोस्ट करके उसे भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास होममेड ग्रेनुला रेडी नहीं है। थोड़े से चॉप मैंगो, थोड़ी सी और मैंने प्योरी मैंगो की ऐड कर दी है। एंड जस्ट लुक हाउ डिलिशियस इट लुक्स, और खाने में तो ये इट्स इवन मोर डिलिशियस। आप इसे इमिडिएटली कंज्यूम कर सकते हैं या फिर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं नेक्स्ट डे। अगर इसकी न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन बिकॉज ऑफ द इंग्रीडियंट्स दैट वी हैव यूज्ड। चिया सीड्स जो है ना सिर्फ वो ओमेगा 3 के अच्छे सोर्स हैं, प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, बल्कि दे लोडेड विद फाइबर और भी बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स एंड एंटी ऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होते हैं। हल्दी की बात करूँ तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, वन ऑफ द बेस्ट प्लांट्स जब हम इसके अंदर फाइटो न्यूट्रिएंट्स और बाकी प्लांट कंपाउंड्स की बात करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, बूस्ट करेगा। ओट्स जो होते हैं वो भी फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होते हैं, उनके अंदर जो फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर, वो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंगोज जो होते हैं दे आर जैम पैक्ड विद इंपॉर्टेंट विटामिंस एंड मिनरल्स सच एज फोलेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बीटा कैरेटिन। इसके अलावा दूध हमने लिया है जो कैल्शियम में रिच होता है, विटामिन डी। अगर आप डेयरी मिल्क लेंगे, कोकोनट मिल्क लेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे और भी एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे। So do try this amazing and nutritious and delicious chia pudding which is rich in nutrition as well as flavors. अगर आप इसे try करते हैं तो अपना feedback और recipe के pictures मेरे साथ Instagram पर share करना ना भूलें। That is food, fitness and fun. Thanks for watching. Stay healthy, stay fit, stay active and stay safe. I'll be back very soon with another healthy, interesting recipe. Until next time, you take care. Bye bye.